प्रयागराज में कल हुए उमेश पाल हत्याकांड की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ गुस्से में नजर आए। अतीक अहमद को मिट्टी में मिला लेने की बात कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सदन में गूंजता दिखा उमेश पाल हत्याकांड का मामला। गुस्से में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी लगाई लताड़। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उमेश पाल हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में दिखाई। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद के संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चोरी और सीना चोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज की घटना के अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इस दौरान अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बहस भी हो गई। दोनों एक दूसरे पर चीखते हुए नजर आए। योगी ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा भी आप बनाते हैं। एक तरफ आप अपराधियों को आश्रय देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पर दोष लगाते हैं। इस पर अखिलेश ने कहा कि आप बताइए, बीएसपी से आपकी दोस्ती है इसलिए आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ राजू पाल के परिवार ने केस दर्ज कराया था वो सपा का पोषित अपराधी है और उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि आपको बहाना चाहिए था। ये समाजवादी पार्टी के लोग पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। सारा प्रदेश ये जानता है कि जिस माफिया ने ये काम को अंजाम दिया है वो उत्तर प्रदेश से बाहर है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो बार बार एमपी और एमएलए बना है। इलाहाबाद वेस्ट से समाजवादी पार्टी सरकार के सहयोग से एमएलए बना था। यही नहीं 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का कुख्यात काम इन्हीं लोगों ने किया। दरअसल ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद को लेकर कह रहे थे। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग चोरी और सीना चोरी का काम करते हैं। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी, चोरी और सीना चोरी का काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच यह गर्मा गर्म बहस होती दिखाई दी। वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड पर पुलिस सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। दरअसल यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस ने और कड़ी जांच इस केस की करनी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं।
हमारी पार्टी में, आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस में कह रहा हूं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है कथरत में हो, ये माफिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी दूर का अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी ये तो आप तब जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं, क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ पोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कह रहे हैं। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी के सरकार के सहयोग से इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था और यही नहीं 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीमा चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा।